आज मैं बताने जा रही हूँ गुड़ की मीठी पूड़ी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और जब भी मीठा खाने को मन करे आप इसे फटाफट बना के खा सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम सावन सोमवार में भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है 1.5 कप आटा। हमें गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने आटा ले लिया है 1.5 कप और अब इसमें ये आटा ले रहे हैं और अब इसमें डालना है घी। घी से आटे का मोयन करने से पूरी जो है बहुत सॉफ्ट रहती हैं, तो इसलिए इसमें मोयन करना ज़रूरी है। तो ये मैंने 1 चम्मच घी इसमें डाल दिया है। आप इसे गर्म करके भी डाल सकती हैं और ठंडा भी ऐसे भी इसे डाल सकती हैं। अब इसे अच्छे से आटे के साथ घी को मिक्स कर लेना है। जिस प्रकार से मोयन करते हैं ठीक उसी प्रकार से इसे मिला लेना है अच्छे से। तो ये देखिए, ये मैंने आटे में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे और अब आटा गूंदना है। तो गूंदने के लिए हम सादे पानी की जगह उस पानी में गुड़ मिला के आटे को गूंदेंगे। यदि हम आटे में डायरेक्ट गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोल लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। कभी कभी पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, उस पानी का इस्तेमाल जो बच जाता है गूंदने के बाद पानी, उस पानी से आप चाय बनाने में उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसे गूंद लेंगे। 1.5 कप आटे में मैंने 1/2 कप गुड़ लिया है। तो इस प्रकार से हमें आटा को गूंद लेना है। ये लीजिए, आटा गूंद चुका है और ये रोटी के आटे से थोड़ा सा कड़ा रहेगा, जिस प्रकार से पूरी का रहता है। तो ये देखिए, ये पूरा पानी उपयोग हो चुका है इसका। अब इस आटे की छोटी छोटी लोई बनाना है, या कह लीजिए छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और फिर उनसे पूरी बेलनी है। तो ये मैं पहले इनके पेड़े बना ले रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना लिए हैं। इस प्रकार से बना लेना है और अब इनकी पूरी बेल लेनी है। तो चौकी पे इस प्रकार से घी लगा लेना है, या आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। मैंने ये घी लगाया हुआ है और इस प्रकार से सभी पूरियों को बेलना है। और पूरी जो है बहुत पतली नहीं बेलनी है, तो हल्का सा उनका साइज़ ये देखिए इतना रहना चाहिए। इस प्रकार से बेल बेल के सभी को रख लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा घी और लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये सभी पूड़ियों को मैंने बेल लिया है। ये देखिए इतनी मोटी रहनी चाहिए। और अब हम इन्हें तल लेंगे। तो ये मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें एक एक करके इन्हें तलते जाएंगे और ब्राउन होने तक इन्हें दोनों साइड से पलट के तल लेना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगने पर उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ये देखिए, इस प्रकार से ब्राउन हो चुकी हैं ये और अब इन्हें मैं निकाल ले रही हूँ। तो इसी प्रकार से सभी पूड़ियों को तल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं पूरी। तो जब भी मीठा खाने का मन करे आप तुरंत ही इसे बना के खा सकते हैं, बच्चों को या बड़ों को खिला सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं ये, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और सावन सोमवार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूड़ी बना के इसे आप दही के साथ इस्तेमाल करिएगा, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नमस्कार।